हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल। आप देख रहे हैं मेरा चैनल द स्मार्ट डिजिटल। आपके पास दुकान है, कंपनी है, तो आप क्या करते हैं? अभी घर बैठे या दुकान में बैठ के आप बिल बना सकते हैं। बिल बुक रहता है, सबको तो मालूम पड़ेगा। तो बिल बना के तो प्रोडक्ट बेचते हैं हम। कोई कस्टमर आया तो प्रोडक्ट देने के बाद उसको बिल करके देते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन देते हैं। ऑफलाइन तो बहुत यूज करते हैं, पर ऑनलाइन में बहुत ही फास्ट होता है। तो एक ऐप ऐसा लेके आओ, मैं एक बढ़िया ऐप लेके आओ मैं तो देख लो। आप प्ले स्टोर पर जाके सर्च कर लो, किधर है प्ले स्टोर? अब इसमें बिल बना सकते हैं, पूरा जानकारी के साथ आइटम ऐड कर सकते हो इसमें। अब प्ले स्टोर पर जाके बाद अभी ये सर्च कर लो, माय बिल बुक। तो देख लो मैंने ऐड किया हूँ, तो इसको ओपन करते हैं ऐप को। तो ये देखो भाई, ये पूरा इंडियन ऐप है। इसको कुछ चाइनीज बिनेज कुछ ऐप ही नहीं है वो। तो देख लो आप क्या कर सकते हैं अभी इसमें। तो पहले ये क्या मांगेगा मालूम है क्या अपने पास? पहले आपको बिजनेस का नाम डालना पड़ेगा, फिर आपका मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, उसके OTP आएगा। OTP आने के बाद आप कौन सा बिजनेस है वो आप चॉइस कर लो, आपके ऊपर डिपेंड है वो। वो चॉइस करने के बाद इधर बिजनेस का नाम रहता है, इधर आप नाम डालो और GST जो मिलता है GST नंबर भी डालो, आपका बिल एड्रेस डालो। फिर उसके बाद सिंपल टाइप्स का बिजनेस है ये, रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर, सर्विस। तो आपको कौन सा है तो वो डाल दो आप। बैंक डिटेल अपना डाल दो इधर। क्यों डालो मालूम है क्या? जब आप किसी को ट्रांसफ़र करते हो पैसे, तो आपको ट्रांसफ़र करने में आसानी होगी आपको। अभी सेलेक्ट इंडस्ट्री टाइप, ये देखो हार्डवेयर है, ऑटोमोबाइल्स है, कंस्ट्रक्शन है, डेयरी मिल्क है, आपका कौन सा भी दुकान हो इस पर एक सेलेक्ट करो, क्योंकि आगे पर्सन को मालूम पड़ेगा कि हाँ ठीक है ये इसका ये दुकान है, इसने मुझे भेजा है। तो देख लो अभी ये तो हो गया GST और कंपनी का नाम। ऑनलाइन स्टोर रहते, ऑनलाइन स्टोर भी अपने को जो आप यूज करते वो आपको सीखा इधर वेबसाइट पे मिलेगा आपको। तो ये देख लो, UPI लिंक का पेमेंट है, इनवॉइस है, सेटिंग है, प्रोफाइल सेटिंग है, अपना प्रोफाइल बना सकते हो, आपकी इमेजेस इसमें ऐड कर सकते हो, जैसा कि अपना दुकान है, दुकान की इमेजेस ऐड सकते हो तो पब्लिक दिख जाएगी, पब्लिक को मालूम पड़ेगा अपना दुकान है, आपका बैनर भी ऐड कर सकते हो इसमें। तो ये बहुत ही बढ़िया ऐप है। अभी मैं तो यूज़ करने वाला, मेरा तो खुद का पापा का बिजनेस है, अभी वो मैं यूज़ करने वाला हूँ। अभी देखो ये प्रोफाइल है, ऐप सेटिंग है, आप इसमें सेटिंग है, अपना डाटा डिलीट कर सकते हो, बैकअप ले सकते हो। देख लो डेस्कटॉप पे भी लॉगिन कर सकते हैं। देख लो यार, आप डेस्कटॉप पे, आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो उस पर भी आप लॉगिन कर सकते हैं, इसके बहुत ही फायदा होगा। फिर देखो इनवाइट कर दो यार, आप फ्रेंड में इनवाइट करने के बाद आप 10,000 रुपये जीत सकते हो। 10,000 रुपये अमाउंट है, ये मामूली अमाउंट नहीं है। इन्वाइट कर लो आप, ये कोड डाल के। तो देख लो ये, और आपके पास रिवॉर्ड भी है, रिवॉर्ड मिलते हैं पूरा। आप जितना बिल पे करो ना उसके ऊपर डिपेंड है। आप जैसे कि फ़ोन पे यूज करते हो उस पर क्या कैशबैक मिलता है, वैसे ही इसमें कैशबैक मिलता है। तो देख लो ये हो गई हेल्प, कुछ प्रॉब्लम हो गया तो बिलिंग में इधर पूरा जानकारी मिलती है, कैसे करने का, क्या करने का। और आइटम ये देखो, अभी अपने पास दुकान में जो आइटम है थी, जैसे कि मिल्क डेयरी है, मिल्क डेयरी में क्या रहते हैं आइटम, दूध और दही, ताक, ऐसे सब कुछ आइटम रहते हैं उसमें ऐड करो, और आपकी प्राइस इसमें डाल दो, और प्रोफाइल में जाके आप इसको बिल बना सकते हो। अभी बिल कैसा बनाए आपको दिखाता हूँ आपको। और ये देख लो, पेमेंट आउट है, सेल्स आउट है, और परचेस रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, रिपोर्ट भी मिलता है आपको। आपको बिल इनवॉइस में क्या भी प्रोफाइल में जाओ और क्रिएट न्यू पार्टी करो। करने के बाद क्या करोगे अभी, क्रिएट पार्टी करो, पार्टी का नाम डालो, जिसका भी आपके कॉन्टैक्ट में नंबर सेव है
उसका नंबर डालो इधर, पार्टी का नाम डालो। अभी एक्स वाई जेड पार्टी का नाम डाला, उसका मोबाइल नंबर कुछ तो है। ये टाइप करने के बाद फिर क्या करते, जीएसटी डिटेल्स, उसका खुद का दुकान है तो जीएसटी है तो जीएसटी भी डिटेल्स इसमें ऐड कर सकती हो। फिर उसका एड्रेस ऐड कर सकती हो उसमें। फिर उसके बाद बैलेंस डिटेल्स, ये सब साथ दे में। क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है, डेबिट कार्ड, ये सब इसमें डाल के सेव कर सकते हैं आप। तो देख लो भाई, ये तो बहुत ही बढ़िया ऐप है। अभी मैं तो ये यूज़ करने वाला हूँ, आप भी यूज कर लो, बहुत ही फ़ायदा होगा आपको। ऑनलाइन में आपको जितना चाहिए उतना, मुझे कल या परसों का, फिर एक महीने के बाद आपको सब इधर रिपोर्ट सेव होगा। पेमेंट का आउटलेट भी दिखाया जाएगा आपको, क्या है कुछ नहीं। तो देख लो, यूज़ करो, और क्या है, बहुत ही बढ़िया ऐप है। सेल्स रिटर्न भी है इधर, रेस्पॉन्स भी है। रेस्पॉन्स कैसा है पब्लिक को, एक्सपीरियंस नंबर, एड कैटेगरी, एड आइटम, कैश चेक बैंक, सब कुछ। आप इसको ऑनलाइन में भेज सकते हो, व्हाट्सएप पे, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, जो भी हो आप भेज सकते हो इसमें। तो ये यूज कर लो भाई, बहुत ही बढ़िया ऐप है। कंपनी भी नाम डाल सकते हैं इसमें, देख लो पूरा। तो भाई वीडियो कैसा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ये जो ऐप है उसका ऐप का डिस्क्रिप्शन पे लिंक डालने वाला हूँ, वो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उसको डाउनलोड कर लो आप। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू।